हम लोग का घर क्यों गिरा दिए सर? हम लोग कहाँ पे रहेंगे? हमारे बच्चे कहाँ पे रहेंगे? हमको न्याय चाहिए सर, हम लोग को न्याय चाहिए, हमारा घर चाहिए, जमीन चाहिए सर, हम लोग का जमीन चाहिए, हम लोग का घर चाहिए। बस मजदूरी कर करके एक एक रुपया करके इकट्ठा किए, हमारा परिवार है, अगर हम लोग यही पर आत्महत्या कर लेंगे, यही पर मर जाएंगे, हमारे हमारे घर नहीं रहेगा तो हम लोग सर कहाँ रहेंगे? रोड पर रहेंगे, क्यों कर लेंगे? संत मुख्यमंत्री आपको न्याय देंगे? कोई नहीं न्याय दिला रहा है, हम लोग यहाँ पर रो रो के मर रहे हैं, कोई आ रहा है देखने के लिए? कोई नहीं आया, पता नहीं आया है, कोई कर्मचारी नहीं आया। साथियों, एक बार हम फिर आ गए हैं बाबा गुरुचनाथ कॉलोनी में। जी हाँ, वही कॉलोनी है जिस कॉलोनी में दर्जनों घरों पर बुलडोजर चलाया गया था, और यही घर है, इन्हीं लोगों का घर है। जो तकलीफ देख रहे हैं, इन लोगों को बहुत तकलीफ है, बहुत ही दर्द है। इनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया था, और बुलडोजर चलाने वाला का पता तक अभी तक नहीं पता चला। ये सुनने में आया है ये लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गए थे। कहा जाता है जनता दरबार में जो जाता है जनता के लिए बनाया जाता है जनता दरबार, उस जनता दरबार में जनता को न्याय मिलता है, और हम भी चाहते हैं इन लोगों को न्याय मिला कि नहीं मिला। आप लोगों को नहीं मिला सर, हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला है, नहीं मिला नहीं, हमें न्याय चाहिए, हमें बाबा से यही विनती, हम लोग का जमीन बख्श दे, हम लोगों को जमीन बख्श दे, बस यही हम लोग का विनती है। हम लोग सर मजदूरी कर करके एक एक रुपया करके इकट्ठा किए, हमारा परिवार है, अगर हम लोग यही पर आत्महत्या कर लेंगे, यही पर मर जाएंगे, हमारे हमारे घर नहीं रहेगा तो हम लोग सर कहाँ रहेंगे? रोड पर रहेंगे, क्यों कर लेंगे? संत मुख्यमंत्री आपको न्याय देंगे? कोई नहीं न्याय दिला रहा है, हम लोग यहाँ पर रो रो के मर रहे हैं, कोई आ रहा है देखने के लिए? कोई नहीं आया, पता नहीं आया है, कोई कर्मचारी नहीं आ रहे है, हम लोग बारिश में गीला हो रहे है, बच्चे हमारे रोड पर पड़े है, किराए मकान में रह रहे है, हम लोग देख सकते है भैया किस तरीके से रो रो के बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि आत्महत्या कर लेंगे। क्यों आत्महत्या नहीं करेंगे तो सर क्या करेंगे, आप बताइए। हम कर्जा लिए हैं जिससे उसका कर्जा नहीं दे पा रहे, हमको मार रहा है, गरिया रहा है, उसको कर्जा नहीं देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? आत्महत्या नहीं करेंगे तब। एक तरफ उधर से धमकी आ रहा कि हमारा कर्जा दीजिए नहीं तो आपको किसी तरीके से ले लिया जाएगा, और एक तरफ इनका घर को मकान से गिरा दिया जा रहा है। माता जी क्या कहेंगे आप लोग, क्या चाह रहे हैं? जमीन चाहिए हमें, जमीन चाहिए, हाँ जमीन चाहिए। तो बताइए आप लोगों ने कहाँ कहाँ गया था न्याय के लिए? गोरखनाथ गए हैं। क्या मिला, न्याय मिला? अब नहीं, कुछ नहीं मिला। घर मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जमीन आपका कौन ले रहा है? गीड़ा ले रहा है। गीड़ा? हाँ, गीड़ा ले लिया है। गिरा ले, वही लेना ही लिया, ले धमकी दे रहा है। जब घर गिरा ही लेगा ना जमीन भी, जब ये बताइए जमीन वो बोल रहा हम नहीं ले रहे हैं तो हम लोग का घर क्यों गिरा दिए? वो सब मतलब घर में बोल रहे नहीं लिए, नहीं ले रहे हैं हमें आपका जमीन से, लेकिन तो हम लोग का घर क्यों गिरा दिए सर? हम लोग कहाँ पे रहेंगे? हमारे बच्चे कहाँ पे रहेंगे? हमको न्याय चाहिए सर, हम लोग को न्याय चाहिए, हमारा घर चाहिए, जमीन चाहिए सर, हम लोग का जमीन चाहिए, हम लोग का घर चाहिए। बस सर कुछ ना चाहिए, हम लोग का जमीन, हम लोग का घर चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग की जमीने गीड़ा से मुक्त किया जाए, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? सकते हैं जी, जैसे ही हमने ये सवाल करना शुरू किया कि आप लोगों ने मिल के आया है, न्याय मिला कि नहीं मिला, और ये लोग बता रही हैं कि न्याय नहीं मिला, हमारा जमीन बख्श दीजिए, हमारा जमीन दे दीजिए, लेकिन ये बता रही हैं कि गीड़ा कर रहा है कि हमने घर नहीं गिराया। जब घर गीड़ा नहीं गिराया तो कौन गिराया भाई? घर गिराया सर, वो बोल रहे हैं जमीन नहीं चाहिए, घर नहीं बनवा सर, घर गिरा कर चला गया हम लोग का। हाँ घर, ये बताइए हम लोग एक डिसमिल दो डिसमिल जमीन लिए घर ही बनवाने के लिए, खेती करने के लिए तो नहीं ना लिए है, घर ही बनवाने के लिए एक डिसमिल दो डिसमिल किसी का बपन से तो नहीं है ना सर? गीड़ा एक्सेप्ट कर रहा है कि हम ही गिराए मकान? हाँ गीड़ा एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा, जब वही गिराया है तो हम लोग के सामने हम लोग का सामान फेंक कर गिराया है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? खाली ये बोल रहा है कि हम जमीन नहीं ले रहे हैं, जमीन नहीं ले रहे तो हमारा घर क्यों गिरा रहे हो तुम लोग? बताइए इस महिला का दर्द सुनकर कौन नहीं रो देगा भैया? इन लोगों का मकान देखिए, जब घर गिरा दिया जा रहा है, किसी एक महिला को पीड़ित कर दिया जाएगा, खून पसीने के कमाई से एक कॉलोनी में अपना जमीन दो ढिसमिल लेती है और उसके जमीन को ध्वस्त कर दिया जाता है उसके मकानों को, और कहा जाता है आपका जमीन नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम है। और समझने की कोशिश करिए, पहले घर गिराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम नहीं गिराए। आइए आइए देखिए,
देखिए मजदूरी करके लगभग 5-6 बज रहा है, मजदूरी करके आ गए और इनके पैरों पे देखिए ये जो ना सीमेंट है, सीमेंट लगा हुआ है। और सीमेंट अब कैसे पता चला है कि यहाँ पे हम लोग आए हैं, मीडिया वाले आए हैं? पता चला कि दौड़ते हुए भागते हुए आए हैं। मतलब क्या क्या समझ के आए हैं? मतलब अपना मतलब आप देखने में दिखाने के लिए, मतलब कि हमको भी मिल जाएगा, हमारी जमीन मिल जाएगी, बोलने के लिए आए थे। बोलने के लिए आए थे कि हम योगी से आए। एक संत जो है मुख्यमंत्री जी, संत हैं, हो सकता है आप मजदूर हैं तो मजदूर का बात और दर्द समझेंगे, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे अपने मुख्यमंत्री जी से कि हमारी जमीन दे दिया जाए, हम अब गरीब आदमी हैं और इतने हम मेहनत से कमा रहे 300-350 नौकरी करके, और हम अभी तक हमारे पास 3-3.5 लाख रुपये हम उनकी भरपाई भी नहीं कर पाए, और इधर हमारी मकान को तोड़ के गिरा दिया गया, हम कहाँ जाएंगे? हम तो मजदूर अभी वो भरे अभी नहीं भरे हैं, नहीं अभी भी हम भरे नहीं हैं, और उधर हम सोच रहे हैं हम अपना बनवा के रहेंगे तो इधर गिर गया, अब कहाँ रहें, किराए पर रह रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ भैया, हमारे पास उतना बेवत नहीं है इस भाई, इस मजदूर को मदद करें। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इन लोगों को आप लोग कैसे मदद कर सकते हैं, अगर आप वकील हैं तो अपने वकालत के वजह से इन लोगों का मदद करिए, अगर समाज सेवक हैं तो आके इन लोगों का मदद करिए, अगर नेता है तो इनको दुख और दर्द को समझने की कोशिश करिए। इस सहजनवा क्षेत्र में तमाम पार्टी के राजनीति करने वाले नेता एक भी आए थे कि नहीं? कोई नहीं आया था, खाली काजल निषाद हम लोग के पास आए थे, वही हम लोग का दर्द खाली सुनी थी और कोई नहीं आया था। काजल निषाद जी आई थी, बता रही है काजल निषाद जी। जी हाँ, वही जो मेयर का चुनाव लड़ी थी, वही इनका दर्द सुनने आई थी, अब दर्द सुन के चली गई हो, क्या कही है? वो बोली है हमसे जो हो पाएगा हम आपका मदद करेंगे। हाँ, वो बोली हमसे जो हो पाएगा वो आपका मदद करेंगे। तो भैया, और जो लोग संगठन बना के राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों को आइए और मदद करिए, इन लोगों का मकान बचाइए, क्योंकि ये लोग मजदूरी करके मकान बनाए हैं, अभी तो लोन नहीं भर पाए भैया, इनका जो कर्ज है बता रहे हैं कि आत्महत्या कर लेंगे। हम तो कहेंगे भैया इस तरीके से कदम कोई ना उठाए, क्योंकि एक हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो एक संत हैं, और संत मुझे उम्मीद है कि आप न्याय दिलाएंगे आप लोगों को। हमारा भी मकान तोड़ दिया गया जिसमें हम लोन लिए थे, पर्सनल लोन लेके, हमको लोन नहीं मिल रहा था तो पर्सनल लोन लेके जमीन खरीदे थे और कुछ कर्ज लिए थे जिसमें अभी हमें 5.5 लाख रुपए लोन भरना है। मैं 10,000 रुपए महीने पे काम करता हूँ सर, 10,000 महीने जी, और काम करते हैं सर, मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, 9500 रुपए हमारी सैलरी आती है जी, और उसी में गाड़ी का तेल, अपना खर्चा सब कुछ देखना होता है। डिलीवरी में मतलब कौन, जोमेटो वगैरह? फ्लिपकार्ट का करते हैं, मतलब दिन भर तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। 6 बजे जाता हूँ, रात के 10 बजे 11 बजे आता हूँ। देख सकते हैं एक डिलीवरी बॉय है, ये 10,000 रुपये पाते हैं और 10,000 कमाने वालों का मकान तोड़ा जा रहा है, एक मजदूर का मकान तोड़ा जा रहा है, एक गरीब का मकान तोड़ा जा रहा है, एक शिक्षक का मकान तोड़ा जा रहा है और एक फौजी का मकान तोड़ा जा रहा है। तो भैया जब फौजी नहीं सुरक्षित हैं, जब कोई वकील नहीं सुरक्षित है, जब मजदूर नहीं सुरक्षित हैं, तो अब बताइए जब ये लोग कॉलोनी में बस कर एक नया माहौल देना चाहते थे, अपने बच्चों को हाला चाहते थे, शहर से सटा था, अब तो यहीं पर शहर हो गया है, ले लोग इसीलिए ना जमीन लिए थे? जी सर इसीलिए लिए थे कि अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, नज़दीक रहेगा, यहाँ से जाने आने में आसान रहेगा, इसीलिए सब लिए थे। इसको लेकर के सब लोग अपना मकान बना के कुछ लोग रह रहे थे, कुछ बनाने की तैयारी कर रहे थे सर। चाह रहे हैं आप लोग? अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारी जमीन गीडा से मुक्त की जाए सर। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कहीं भी कोई ना जमीन है ना मकान है, वो शुरू से किराए के मकान पे रहते चले आए और वो अपना रोजी रोटी इकट्ठा करके अपना खरीदे थे कि हम अपना बनाएंगे मकान, अपने खुद के घर में रहेंगे, उनका सपना था लेकिन वो चूर कर दिया गया सपने को। और इस तरह बहुत हो सकता है सपना फिर वापस आ जाए अपना। माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, पूरी विश्वास है, आस्था है कि हाँ मुख्यमंत्री जी जो है हम लोगों का दर्द को सुनेंगे और समझेंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अब भैया इन लोगों को दर्द सुना आपने, कोई डिलीवरी बॉय निकल गया, कोई मजदूर निकल गया, कोई सैनिक निकल गया, कोई वकील निकल गया, कोई शिक्षक निकल गया, अब इस सब को कैसे बचाया जाए मकानों को? अब कौन आएगा, कौन रहनुमा है जो इन लोगों को मकान को बचाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है जिन्होंने ये मकान को तोड़ा है, ये लोग बता रहे हैं कि हमारे गीडा के लोग नहीं तोड़े हैं, गीडा के लोग तोड़े हैं,
गीडा के लोग तोड़े हैं, उनका कहना है मैं मकान तोड़ रहा हूँ, आपकी जमीन नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हमें डर है कि जिस तरह दबंगई से हमारे मकान को तोड़ा गया तो हमारे जमीन को कभी भी कब्जा कर लिया जाएगा। तो देख सकते हैं गीडा के द्वारा तोड़ा गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीड़ित लोग कह रहे हैं। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है आप लोग बताइएगा, ये लोग कितना सच्चे हैं, कहीं ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं गीडा वाले को फंसा तो नहीं रहे हैं, कहीं गीडा के बदनाम तो नहीं ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों की आप बताइएगा कि ये लोग कितना सच है कितना झूठ है, क्या ये सच में मजदूर है, क्या ये कोई मुकेश अंबानी के रिश्तेदार तो ये लोग नहीं है। इनका एक मकान टूट गया तो कुछ नहीं, चलिए दूसरा मकान ले लेंगे। ये लोग कितना सच बोले हैं आप लोग जरूर बताइएगा, जो भी अधिकारी देख रहा है इन लोगों का दर्द सुनिए। क्या बात है, आप अपने कैमरे को चारों तरफ घुमाइए, हमारे तरफ सारे मलबे पड़े हैं, कोई अपना एक मकान तोड़ेगा अगर वो भी बहुत धनी व्यक्ति होगा, हम गरीब लोग हैं सर, टीन और टप्पर डाल के रहने वाले लोग हैं, तो अपना मकान तोड़ेंगे। को दर्द दिखाया और दर्द, इन लोगों का दर्द कितना है आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।